हेलो दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग इंस्टाग्राम से किसी भी फोटो को अपनी गैलरी में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इसके बारे में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे और दोस्तों यदि आप भी इंस्टाग्राम से किसी भी फोटो को अपनी गैलरी में डाउनलोड करना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेगा और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना है और इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा ओके और दोस्तों अब आपको मैं बताऊंगा कि आप लोग इंस्टाग्राम से किसी भी फोटो को अपनी गैलरी में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेगा और अच्छे से समझिएगा ठीक है ना तो देखिए दोस्तों आपको जिस फ़ोटो को इंस्टाग्राम से अपनी गैलरी में डाउनलोड करना है सबसे पहले आपको उस फोटो को यहाँ पर देख लेना है ठीक है जो भी आपको इंस्टाग्राम पर फ़ोटो अच्छा लग रहा है उस फोटो को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको उस फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट करना है जैसे मैं इस फोटो को आपको अपनी गैलरी में डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ ठीक है तो दोस्तों फोटो डाउनलोड करने के लिए क्या करना है यहाँ पर देखो दोस्तों आपको नीचे साइड में तीन ऑप्शन मिलेंगे जैसे हार्ट कॉमेंट और शेयर तो आपको शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसमें आपको नीचे लास्ट में काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे जैसे ऐड टू स्टोरी थ्रेड्स शेयर कॉपी लिंक तो आपको कॉपी लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और फोटो का लिंक यहाँ पर दोस्तों कॉपी सक्सेसफुली हो जाएगा अब दोस्तों आपको यहाँ से बैक आना है और आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन को ओपन करना है फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च और टाइप यू आर एल का ऑप्शन मिलेगा इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है इंस्टाग्राम पोस्ट सेवर आपको इतना यहाँ पर टाइप करना है और टाइप करने के बाद आपको सर्च कर देना है सर्च करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर दोस्तों आपको इसमें सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड फोटो फ्रॉम इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम फोटो डाउनलोडर आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर देखें दोस्तों इंस्टाग्राम फ़ोटो डाउनलोड इंस्टाग्राम फोटो डाउनलोडर सेव फोटोज फ्रॉम इंस्टाग्राम तो आप इंस्टाग्राम से कोई भी फ़ोटो अपनी गैलरी में डाउनलोड कर सकते हो सेव कर सकते हो तो कैसे कर सकते हैं यहाँ पर देखें दोस्तों आपको इसमें एक ऑप्शन मिलेगा पेस्ट यू आर एल इंस्टाग्राम इस पर आपको क्लिक करना है और आपने जिस फोटो का लिंक कॉपी किया है उस लिंक को आपको इसमें पेस्ट कर देना है चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर लिंक पेस्ट कर देता हूँ आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर फोटो का लिंक पेस्ट कर दिया है और यहाँ पर लिंक पेस्ट करने के बाद इसमें एक ऑप्शन लेगा डाउनलोड इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और फिर ये लोडिंग लेगा और आपके सामने ऐड आएगा ऐड को आपको क्लोज कर देना है उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा ठीक है अब दोस्तों आपको स्क्रोल डाउन करना है इस तरह से और यहाँ पर दोस्तों आपको फ़ोटो का साइज शो हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर देखें दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से फ़ोटो का साइज सेलेक्ट कर सकते हो किस साइज में आपको फोटो डाउनलोड करना है उस साइज को आपको सेलेक्ट करना है चलिए दोस्तों मैं यहाँ से एक कोई भी साइज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ तो दोस्तों मैंने यहाँ पर फ़ोटो का साइज सेलेक्ट कर लिया है अब दोस्तों इसमें एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड इमेज इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और आपका फोटो डाउनलोड सक्सेसफुली हो जाएगा आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है फ़ोटो डाउनलोड हो चुका है चलिए दोस्तों मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ तो दोस्तों मैंने फोटो ओपन किया आप देख सकते हो यहाँ पर यह फ़ोटो डाउनलोड हो चुका है ठीक है यह फोटो मेरी गैलरी में डाउनलोड हो चुका है चलिए दोस्तों मैं यहाँ से बैक जाता हूँ एंड अपनी गैलरी ओपन करता हूँ एल्बम पे क्लिक किया और यहाँ पर दोस्तों मैंने फ़ोटो पे क्लिक किया आप देख सकते हो ये फ़ोटो मेरी गैलरी में डाउनलोड हो चुका है तो इस तरह से आप लोग भी इंस्टाग्राम से किसी भी फ़ोटो को अपनी गैलरी में आराम से डाउनलोड कर सकते हो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना